उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से 2024 की राजनीतिक बिसात बिछे जाने वाली है। सपा से नाता तोड़कर अलग हो चुके सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी है। इसी को लेकर राजभर ने अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि राजभर ने एक तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सूबे में सियासी चर्चा अब तेज होती नजर आ रही है। गौरतलब है कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। वहीं बिहार के सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी अब तेज है। नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए ओपी राजभर और सीएम योगी की मुलाकात को खास माना जा रहा है। इस बीच ओपी राजभर ने मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से राजभर बिरादरी को एसटी का दर्जा दिलाए जाने को लेकर मांग उठाई। सीएम योगी ने सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा।